अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अशोक दुबे हत्याकांड दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है और उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम गुठनी थाना इलाके के पीपरपाती गांव में भी पहुंचे हुए थे। अशोक दुबे के परिवार के लोगों से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद से जिन लोगों का FIR में नाम आया हुआ है उनके परिवार से भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इन लोगों का कैसे नाम आ गया और क्या जिस तरीके से जो हत्या अशोक दुबे की हुई है उस समय इनके परिवार के लोग जिनका नाम आया है, जैसे कि एक ही परिवार के चार लोगों का नाम आया हुआ है, विजय पांडे, छोटे पांडे और दो विजय पांडे के पुत्र हैं जय और अभय, उन लोगों का नाम आया हुआ है। हालांकि दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। तो विजय पांडे की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये बताइए कि जो नाम आया हुआ है, आपके दो बेटे जेल भी चले गए हैं, आपके पति भी हैं, आपके एक छोटे सा देवर भी हैं, एक परिवार से चार लोगों का नाम आया है, क्या कुछ सच्चाई है? घटना के दिन उस वो लोग कहाँ थे? क्योंकि वो लोगों का कहना है, अशोक दुबे के परिवार का, कि ये लोग गोली मारने में वहाँ पे थे, हम लोगों ने देखा है। ये सब बिल्कुल झूठ बात बा जी। वो मेरा हमार देवर, हमार पति, हमारा गांव के मतलब सारी लोग जी। सब लोग अपना गुरु जी के अंतिम एथी रहे, कजिया रहे, सारी लोग वही जगह चल गए रहे। हमार बड़कू बेटा दुकान चला के, दुकान बंद करके आके सुतले घर है। छोटकू बेटा कुली गाड़ी उड़ी ड्राइवर उवर लोग के कुली कहले कि तहन लोग के गाड़ी लेके चल जाए के बहे बेरा सबेरा कहके आ गई लो सुते। हम नीचे बैठ के देखत रहनी है महाराज जी आई रहन प्रवचन करे, तो उनके मोबाइल पर देखत रहनी, प्रवचन सुने ना गई रही, तो घरे बैठ के देखत रहनी। तले पुलिस लोग आइनी लोग हमरा घर में घुस के जाके हमरा लइकन के पकड़ के लेके चल गई लोग। कुछ लोग अभी जे पांडे बाड़े तो हम कहनी कि ना आ तब अभी पांडे कहाँ हैं, तो हम भी पर कुछ बोलनी ना जी। हम कुछ बोलनी ना तो ऊपर चल गई लोग, ऊपर जाके हमरा लइकन के पकड़ लेना। हमारे बड़कू लैके आके कहले कि कौना चीज़ में काहे के पकड़ के लेके जाता नहीं लोग, तो बड़कू लैके के पकड़ के ही लेके चल गई लोग जी। पकड़ के हम पूछनी जे कहाँ लेके जाते लोग, काहे लेके जाता नहीं लोग, हम घरे हमरा केहू नहीं के पहले बताई लो, रुकी लो तनी, हम अपना गाँव में से केहू के बुलाओ तनी, तब लेके जाए लो जो केहू हमारा आगे पीछे हो जाए। आपके घर पर उस दिन कोई नहीं? केहू ना रहे, केहू ना रहे। तब कहलो कि गोली चलल बड़े तो जइए ना पकड़ के लेके चल गई लो। अब हम रोए गावे लगनी केहू हमरा आगे पीछे ना रहे। देखिए अशोक दुबे के मारला से बहुत हमने के तकलीफ बा, बहुत दुख बा। एगो अपना घर के हमरा एगो अंगे सदस्य एगो रहा हूँ हाँ, उनका मारला से इतना हमरा तकलीफ बा, इतना हमरा दुख बा कि छोटा छोटा उनके बच्चा अनाथ हो गए। हमरा इतने निवेदन बा SP साहब से, DSP साहब से, चाहे जे भी गाँव के मुखिया सरपंच जे भी हो के गाँव के लोग, चाहे थाना के लोग आके ये बात की सच्चाई ढूंढ हो जी जी। कि मर्डर कैले के बा, ये भइल कैसे बा, ये कहाँ से मतलब मर्डर हो गई, कब मर्डर हो गई, के आइलो पकड़ा गईलो, के मर्डर कैल, का भइल, एकरा के न्याय दिया लो, एकरा के एकदम माने बुझलो कि दूध के दूध आ पानी के पानी करलो। हमरा अशोक दुबे के मरला से बहुत तकलीफ बा, बहुत क्रोध बा, जितना मतलब बुझी कि फाँसो तलो करो तलो बेटा भातर हलो तेलो खातिर दुख बढ़ नहीं बा, लेकिन ओहू से ज़्यादा दुख बावे अशोक दुबे के मरला से, कि उनका छोटा छोटा बच्चा बेचारा अनाथ हो गए, बेबाप के हो गए सब। इतने हमरा निवेदन बाकी एकरा के सही से जांच करके जांच प्रताप करिलो कि असली खूनी बाकी। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई और लोग भी हैं? हो सकता, जब हमारा घर के लोग है नहीं खे कैल ही नहीं खे घरे बा, ऐसा कोनो बातें नहीं खे उनका से हमरा कि यहाँ कब इकुली के सोचावटो ना रहल आई कैल के एकरा के वहाँ सब पता लगाई लो कि कैसे भाई। पहले से आप लोगों का विवाद भी रहा है क्या उस परिवार से, किसी जमीन उमीन को लेकर के?
कोनो विवाद ना रहा, इतना बड़का विवाद ना रहा, इतना बड़का कुछ ना रहा कि जाने से मर्डर हो जा, कुछ ना रहा। ये बात तो वो लोग भी बोल रहा है। हाँ, इतना बड़का विवाद ना रहा कि जाने से जान लेवा हो को, कहे से कि वो दोनों पक्ष से हमरे अंग कटल बा। अशोक दुबे मरल बड़े तो एगो हमरे अंग कटल बा, हमार परिवार नहस तहस हो के जेल गइल बा, एगो हमरे अंग कटल बा, दोनों के कष्ट हमरा बा। वो हमार रिश्तेदार रह चुकल बड़े, वो हमरा घर पहले हमने घर के आन जान रह चुकल बड़े, केहू तिसरही उनका के फोर के इनका चलते इनका के इनका से सिखा बजा के उनका केहू तिसरही इनका से विरोध डाल के उनका से कुछ अपना के गोली उली चलवा लवा के कुछ केस में नाम दे दी हलो कह दी हलो। लेकिन तब हमने के परिवार से कुछ अशोक दुबे के आज तक ले नहीं के बहन, अगर उनकर पत्नी भी सच्चाई पर हुई हैं, उनकर माई सच्चाई पर हुई हैं, उनकर भाई लो सच्चाई पर हुई लो, अगर सत्य से बोलत हुई लो तो बात के खोज प्रताप कहीं जरूर करो लो, जो हमारा परिवार से कौन उनका कि यहाँ कुछ भइल बा, कुछ कहले बलो हमारा तरफ के क्यों कुछ कहले होके उनका के एकरा के मतलब एकदम माने पुलिस प्रशासन से यह हमारा निवेदन बा, एसपी साहब से डीएसपी साहब से आ कि एकरा के ठीक से जांच करी लो। अच्छा, जो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था तो उसका हार्ड डिस्क भी पुलिस शायद ले गई है, पता चल रहा है, तो उस हार्ड डिस्क के माध्यम से तो पुलिस पता लगा सकती है कि हत्या के समय में आपके परिवार के जो लोग हैं जिन पर आरोप लगा है ये लोग कहाँ थे। हाँ, तो पता तो लगा सको तीन लोग कि वो बेरा के टाइम में मान ली कि हम जानते ना जो कब के मर्डर भेल बा कब के ना, तो इलवाइल बलो आ नोच के ले गई बलो तो वो लोग देख ले बलो, लेकिन वो लोग को ऊँगा ले नोच के ना ले जाए के चाहे, जब हमारा घर के गार्जियन ना रहे, हमारा घर जब FIR के लोग कागज ना रहे, हमारा लड़कन के पकड़ के लेके चल गए लो, हम मेहरारू दरबार रहनी अकेले फिर उलो हमारा घर में ढूक गए लो, पूरा हमारे घर चेक इन कर लो, हथियार जो हल लो, जब हमारा घर में कुछ होइए नहीं खे, कुछ कोनो बातें नहीं खे, मिलबे ना कोई, तो मान ली कि वो लोग को नोच के लेके ना जाए के चाहिए। लेकिन हम तो डेरा गए कि भाई मेहरारू जात बनी लो, पुलिस अलो लो कुछ हमारे कह सकत हलो, हम बड़े आदमी घर के बेटी पतो हई, हम तो कुछ नहीं केहू से बोल सकत ना, तो हम ना जाए दिल रहती, अगर हमारा पीछे पर कुछ सहारा रही तो हम के ना जाए दिल रहती, जाए देती दो चार गो हमारा गांव के लोग आई तो सामने जाए देती आ कि एकरा के ले जाके देख लो, एकरा के खोल लो कि में का सही बा का झूठ बा। अब हम कैसे मान सको तीन कि ले जाके वो का कोई ले बलो, मैंने आपको उस पर संदेह है। हाँ, तब अब बताई कि यही है उल्लू उठा के लेके चल गई लो, नोच के लेके चल गई लो, आखिर में तो अब जब हमारा घर केहू ना रहे, हमारा ढोंग नहीं खे सीसी कैमरा चलावे के, तो वो तो भागित ना, वो तो फिर बादों में दो चार गो लोग के आइत लो, तो हमारा कैमरा नोच के लेके जाइत लो, SP साहब के लेके आइत लो, DSP साहब के DM साहब के लेके आइत लो, हमारा कैमरा खोल के चाहे कैदे से चाहे हमारा घर ही बैठ के देख के उलो जाइत लो। वो रात में लड़कन के हमारा लेके गई लो, ओकरा बाद से हमारे उ लोग काहे नोच के कैमरा में के ले गई लो। जब हत्या हुई तो आपके जो लड़के हैं वो लोग यहीं पे थे, घर पे ही थे, तो सब कुछ उसमें क्या होगा, सब कुछ उसमें सीसी फुटेज में। हाँ, तब तो हमारा द्वार पर हमारे बच्चा हो लो, दुकान पर हो लो, हो रोड पर हो लो, माने तो कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होगा। हाँ, रिकॉर्ड हो ना, ये तो हमारा मालूम नहीं ना भई रहे कब मर्डर भइल कब ना भइल, ऐसा कोनो बाप दुनिया में होला आ कि बेटा या बाप एक साथ मर्डर करे जाला, इरो लोग माने कितनो दुष्ट नालायक बाप होई तो अपना बेटा के लेके आ फंसावे खातिर अपना अगला एथी के लेके या गोली चलावे जाए या करी ऐसा हो सकता, आ जे गोली चलाई से घर में आके आराम से बैठी। तो आपको क्या लग रहा है कि कारण क्या हो सकता है, ये साजिश आप लोगों के परिवार के साथ, जैसे चार पांच लोगों का जो नाम आया है, आपके पति का भी आया, आपके देवर का भी आया, आपके दो दो बेटे का भी आया है, सब झूठ, दूसरा लोग ये कुछ कर ले ले बा आ दूसरा लोग गोली मार के आई हमने के दोनों परिवार में ये दोनों लोग में नहस तहस कर के विरोधी डाल दे ले बा। इसमें एक और नाम आ रहा है बैज तिवारी कोई है, वो घर से बुला कर ले गए हैं, उनकी पत्नी का बयान है, उनका भसुर का भी बयान है, तो इसको क्या माना जाए, उनका कहना है कि बुला करके वो लेकर गया उसके बाद घटना घटी है। हो सकता है कि बैद तिवारी कहीं उनका साथ है बड़ा बैद तिवारी उनका के साथ है साथ रहत लहन तो कर सकता रहे, लेकिन हम तो नहीं ही जानत कि वो केकरा साथ रहूँ केकरा साथ कहूँ के उनका के लेके गौवे के लेके ना गौवे, ये तो बात के हमारा पता नहीं है, लेकिन वो जानता रही जो भाई हमारा मालिक के उहे लेके गए बड़े, तो हो सकता है कि बैद तिवारी हुई है चाहे ना हुई है, बैद के ये बात साबित करे खातिर बैद के पकड़ाई जा बैद के पूछल जाओ। अभी बैच कहाँ है, फरार है वो भी, तो ये तो हम मेहरारू जात कैसे बता सको तनी, हमारे बेटा जेल में बा, मर्द हमारे हेने से होने सुन ले गुरु जी की यहाँ जो ऐसा ऐसा बात हो गए तो घर ही ना होले फोन लगते नहीं, तो ये बात हम कैसे बता सको तनी कि फरार बड़े कि घरे बड़े कि कहाँ बड़े, हम कैसे बताई, घरे बेटा भाता रहे तबे तो ना बाहर के बात आके बतियाओ तो मेहरारू सुने ली सन।
मतलब कि आपका कहना है कि जमीन के विवाद में कहीं कुछ उस तरह का हाँ वैसा बात मार लो कि जन जन लेवा हो खो ऐसा जमीन के विवाद में बात ना रहा इस चढ़ा बढ़ा के सब केस मुकदमा कुली सब भइल बा सब गइल बा अब के असली मुजलिम बा ओकरा के पता लगावल जाओ। प्रशासन से क्या चाहती हैं आप जो सिवान की पुलिस प्रशासन है? प्रशासन से यह चाहते नहीं कि हमरो परिवार के अशोक दुबो के परिवार के साथ न्याय हो खो हमरो परिवार झूठे साचे फसल बा एहू के मतलब दूध के दूध पानी के पानी और अशोको दुबे के मरले बा उनका परिवार के अनाथ बनौले बा ओहू के दूध दूध पानी के पानी खोल जाओ ये सब कोई के सामने आओ। आप अपना नाम बता दीजिए। बच्ची देवी। किनकी पत्नी हैं? विजय पांडे जी के। विजय पांडे की पत्नी हैं बच्ची देवी। इनके दो पुत्र का भी नाम है और इनके पति का भी नाम है। दोनों पुत्र जो हैं अभी वो गिरफ्तार हो चुके हैं अशोक दुबे हत्याकांड में। जिस तरीके से अपनी बातों को बेबाकी से रख रही हैं कि अगर जमीन का विवाद रहता तो इस तरह की घटना नहीं घटती, वो मामला बिल्कुल शांत हो चुका था। और एक चीज़ इन्होंने कहा है कि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हमारा पुत्र मेरे साथ चल करके गलत काम करे, ये अक्सर देखने को भी मिलता है। लेकिन अब ये न्यायालय से जुड़ा मामला है और प्रशासन को भी चाहिए कि बिल्कुल बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे कुछ और लोग हैं शामिल हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दें। हालाँकि घर वालों ने जो अशोक दुबे के परिवार वाले हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो बज तिवारी हैं उर्फ उमेश तिवारी उनके द्वारा घर से बुला करके अशोक दुबे को ले जाया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। FIR में भी जो नाम दिए गए हैं उसमें लिखा गया है कि बज तिवारी के द्वारा ही बुलाया गया था जो बैज तिवारी हैं और उसके बाद 4-5 लोगों का और नाम दिया। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना, जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर, फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप, श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन झाला, सिवान। श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन झाला, सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सलोन सिवान। मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग,
सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। JNS पब्लिक स्कूल श्यामपुर सीवान। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 8। कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था। को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे। वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स। बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्कूल इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ CCTV। प्रिंसिपल अभिषेक कुमार सिंह। मोबाइल 9934444।